तो ये देखिए आग में बना रही हूँ ज़बरदस्त से ये भगारे दही बड़े बना रही हूँ जो राइस के साथ और चपाती के साथ खाए जाते हैं, रोटी के साथ खाए जाते हैं, तो पेट भर के खाना खाया जाता है इस गर्मी में। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सरिश्ते। तो वीज़ कैसे हैं आप सवाल जब आपको और आपकी फैमिली को अपने ईमान में रखें। तो वीज़ देख बेसन तकरीबन ये एक पाव के करीब बेसन है, इसमें मैं ये डालूंगी। ये थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में देख लें, ये 1 टीस्पून के करीब नमक है और 1/2 टीस्पून के करीब ये हल्दी है और 1.5 टीस्पून के करीब ये रेड चिली पाउडर है और 1 टीस्पून के करीब ये ज़ीरा है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ में इसमें डाल दूँगी। और ये देखें 2 पिंच के करीब इसमें बेकिंग पाउडर या सोडा, दोनों में से जो अवेलेबल हो वो डाल लें। सारी चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है ऐसे। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक लिक्विड सा इसका एक बैटर बना लेंगे। तभी देख लें इसकी बैटर की, ये देख इतना सा, ये ज़्यादा पतला होगा तो फिर सही से जो बड़े हैं ना वो बनेंगे नहीं। दोपहर में और गर्मियों में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनती हैं तड़के वाली। इसको करती हूँ साइड पे और इसका मसाला बना लेते हैं। अब ये देख लें, ये मसाले की ग्रीन चटनी बनाएंगे। ये देख लें, सबसे पहले तो ये हरा धनिया है और ये 3 से 4 लहसुन के जोए हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। 1/2 टीस्पून के करीब ये नमक है और 1 टीस्पून के करीब ये ज़ीरा है। इसको या तो आप चॉपर में डाल के इसको पीस लें या फिर खर वगैरह जो होते हैं जिसमें मसाला वगैरह पीसते हैं या उसमें डाल के आप एक चटनी सी इसकी बना लें। तो मैं इसको पीस के आती हूँ। ये देखें चटनी मैंने पीस ली है, चटनी बन के हमारी ये रेडी हो गई। इसको करते हैं साइड पर और हम बना लेते हैं अपने इसका बड़ों का जो बैटर मैंने बनाया है उसके हम बड़े बना लेते हैं। ऑयल डाला हुआ है, ऑयल हीटअप हो गया है। अब मैं इसमें इस तरह से ये देखें मीडियम साइज़ के इस तरह से बना लेंगे। फिर ऐसे एक तरफ से ये फ्राई हो जाए, कलर आना शुरू हो जाए तो फिर इस तरह से आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। हम बना रहे हैं बड़ों का मसाला, तो पहले उसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये साबुत लाल मिर्चें हैं, थोड़ी सी ये पहले साबुत लाल मिर्चें रोस्ट हो जाएं, फिर मैं इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ। 2 टेबल स्पून के करीब ये सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया, और 1 टेबल स्पून इसमें साबुत ज़ीरा। प्यारी सी जब इसकी खुशबू आने लगे ड्राई होने की तो फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। बिल्कुल देखें फ्लेम लाइट है। ये बढ़िया भी हमारी फ्राई हो गई हैं, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। और ये मसाला भी रोस्ट हो गया है, ये देखें। अब इसको हम धरधरा सा कूट लेंगे, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करेंगे, धरधरा सा कूटेंगे। अब ये देखें एक बाउल के अंदर मैंने ये नॉर्मल वाटर लिया है, नल का जो पानी होता है नॉर्मल वो लिया है। अब इसमें मैं ये डाल दूंगी जो मैंने ये टिक्कियां बनाई हैं। इस तरह से पानी में डिप करेंगे, इसको डिप कर देंगे थोड़ी सी देर के लिए और फिर इसको निकाल लेंगे। अभी ये देखें थोड़ी सी 2 मिनट के बाद मैंने इनकी साइड चेंज कर दी थी। अब ये देखें बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से हल्का हल्का इनको प्रेस करके, हल्का हल्का सब प्रेस करके इसको निकाल लेंगे। इस तरह से हल्की हल्की सी प्रेस करके, आप ज़्यादा नहीं दबाना इसको कि ये टूटे ना, इस तरह से हल्का हल्का सा ये आपने प्रेस करना है कि पानी निकल जाए। तकरीबन ये 1/2 किलो के करीब हमारे पास ये दही है। दही को अच्छे से मैंने बीट कर लिया है, फेंट लिया है और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाला है क्योंकि मैंने जो चटनी पीसी है 1/2 टीस्पून मैंने उसमें भी डाला था नमक। आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। इसमें मैं ये चटनी डालती हूँ जो मैंने ये बना के रखी है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। इसमें मैं डालूंगी ये बड़ों का मसाला जो मैंने बनाया था, इनको मैंने रोस्ट करके और ये देखें धरधरा सा मैंने कूटा है इसको, ये डाल दूंगी मैं इसमें। तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैं इसके ऊपर ये डालूंगी। अगेन इसकी मिक्सिंग कर लूंगी। मैंने बड़े इस तरह से निचोड़े हैं, पानी में से निकाले हैं। अब मैं इनको इस तरह से ये सारे हम इसमें डिप कर देंगे। अब इसका भगार तैयार कर लेते हैं। भगार के लिए देखें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल हीटअप हो गया है तो इसमें मैं डालूंगी 4 गोल वाली लाल मिर्चें, साथ ये थोड़ा सा ऑनियन है। ये जो भगारे दही बड़े बनते हैं ना, इसे ज़्यादातर रोटी के साथ या राइस के साथ खाया जाता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। हल्का सा इनके गोल्डन कलर आ जाए ऑनियन पे। तो ये देखें ऑनियन के ऊपर ये देखें गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के करीब जीरा और 1 टीस्पून इसमें डालूंगी साबुत सूखा धनिया। ये रेडी हो गया।
गया है, ये देखें तड़का हमारा रेडी है। आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। ज़बरदस्त से हमारे भगारे दही बड़े रेडी हैं। आप इसे राइस के साथ खाएं, आप इसे चपाती के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही, सांसों की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।